Yes. हेलो हेलो क्रिश, हाँ यस यू आर एबल टू हियर मी ना? सर, यस सर, मिस मेरा स्क्रीन डिस्टर्ब है क्या होस्ट की? ठीक, हाँ सर, आपकी स्क्रीन दिख नहीं रही है। हाँ नहीं स्क्रीन मैं शेयर नहीं कर पा रहा हूँ। शेयर स्क्रीन का ऑप्शन डिसेबल है क्या? होस्ट डिसेबल पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयरिंग सर, मेरी। आपका स्क्रीन पे डिजिबल नहीं, अच्छा, स्पॉट ओके लगा हुआ है। ओके। चलो आवाज क्लियर है ना बेटा? हाँ सर, यस सर, क्लियर है। वेलकम ओके थैंक यू। सर। यस सर, आप दुखी। ओके सर, हाँ बोल बेटा। आपने बीके का जो नोट्स दिए थे ना, वो हाँ सब सर मैं नोटबुक में लिख लिए हैं। अच्छा करा बेटा, अच्छा करा।
सर हाँ बोलो बेटा बोलो हाँ बोलो ओ अकाउंट्स में कितना चैप्टर एग्जाम में है? तीन है के दो है सर? बेटा मैंने आपको अभी तक जो पढ़ाया था लास्ट फ्राइडे को मैंने भेजा था ना। हाँ जो नहीं सर आपने ग्रुप में एक भी नहीं भेजा कि मैंने सब टीचर्स का पूछा तभी पता चला। आप देखिए बेटा हाँ। मैंने एक नोटिफिकेशन भेजा है जिसमें मैंने अभी तक जो पढ़ाया है वो बताया है ना। हाँ वो सर हाँ वो हाँ, मैंने आप पहले सुनिए हाँ, तो जो कुछ पढ़ाया गया है ना वो तो हाँ। आएगा ही आएगा और हाँ। जो अपन आपको सिलेबस कॉलेज से मिलेगा तो थोड़ा इंतजार कीजिए, जितना अपन कवर करेंगे उतना आपको पूछा जाएगा। ये मैं नहीं कह सकता तीन चैप्टर दो चैप्टर, जितना पढ़ाया जाएगा सिलेबस आपको कॉलेज की तरफ से मिलेगा। अभी तक जो पढ़ाया गया है वो आपको मैं भेज चुका हूँ ना। हाँ ओके सर मिला है सब मिला है। हाँ बस ठीक है ओके सर थैंक यू सर। या उस पहले चैप्टर में भी जितना पढ़ाया गया है उतना ही पूछा जाएगा, जो हाँ, नहीं पढ़ाया गया है वो नहीं पूछा जाएगा। ठीक है बेटा सर, मतलब टेक्स्ट वाले सर ना, मतलब एक्सरसाइज वाले है ना सर, कि अंदर जो मीनिंग है बुक अकाउंट्स का वो सब का। अरे बेटा वो जो एक्सरसाइज है वो उसी से रिलेटेड तो है ना बेटा। ओके हाँ सर है, ट्रू और फॉल्स पूछूंगा तो उसी से रिलेटेड होगा ना बेटा। हाँ सर ठीक है वेरी गुड। अच्छा
Yeah, students, so how many have joined? 70 have joined, and it is 2 o'clock. Let us wait for 2-3 minutes, and then we shall start. You will get the syllabus from the college students, so no need to worry. The syllabus will be sent to you from the college. And from my side, I am sending you notification after tomorrow lecture. Our lecture is today and tomorrow. So after tomorrow lecture, I will send you what all I have covered, and till tomorrow what I have covered, I will send you, and that will come in the exam, and in the coming week also, what we cover, I will send you in the notification, and syllabus will be well told to you in advance. Okay, students, so no confusion about the syllabus. What all has been discussed in the class shall be asked. Okay. Still students are joining, at least 74 in accounts lecture, 100 students are there. Today is a very important discussion. We are starting with chapter 2, meaning and fundamentals of double entry. Bookkeeping, meaning and fundamentals of double entry. It is a very important chapter. So I will wait for 5 minutes for the students. Then we will extend our lecture by 4-5 minutes also. The students, please join on time. We are starting with chapter 2, meaning and fundamentals of double entry bookkeeping. Today I will discuss the meaning and definition. First I will explain you meaning and definition of bookkeeping. Then we will discuss about principle of double entry and advantages of double entry bookkeeping. And we will discuss about classification of accounts, most important. Please, student, be on time. Unnecessary time is wasted. Unnecessary time is wasted. Sir, accounting standards and IFRS नहीं पूछा जाएगा first. नहीं पूछा जाएगा, बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा. जो भी discuss हुआ है, वही पूछा जाएगा. Accounting standard और IFRS बहुत एडवांस लेवल की चीज है, वो अभी इन्होंने गलती डाली है, ठीक है, वो नहीं पूछा जाएगा. वेरी गुड, ओके, थैंक यू सर. ओके, और भी किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है. सिलेबस आपको कॉलेज की तरफ से दिया जाएगा, आपको चिंता करने की यू नीड नॉट वरी अबाउट द सिलेबस. इट विल बी अपलोडेड ऑन द कॉलेज वेबसाइट. बस बच्चों, अब और अगले लेक्चर से है ना, कल से मैं मैडम को बोलूंगा 2 बजे बाद किसी को एडमिट नहीं करने का. ओके, लेट अस बिगिन. यू सी, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुककीपिंग, ये क्या होता है? ये एक बहुत ही साइंटिफिक मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल द मॉनिटरी ट्रांजेक्शन. It is a scientific method of recording all the monetary transaction in the books of account. Ye system kya hai? It is based on the fact. Ye system is based on the fact that there are two aspects of every business transaction. There are two aspects of every business transaction. Every business transaction involves 2 persons or parties. Har business transaction mein 2 persons ya party hote hain. One is the receiver of the benefit and other is the giver of the benefit. This system is scientific and it is based that every transaction, in every transaction there are two aspects
one is the receiver of the benefit and another is the giver of the benefit. If something goes out of the business, something comes into the business. If something comes in the business, something goes out of the business. जैसे कि आप asset खरीदते हैं, आप पंखा air condition खरीदते हैं, तो आपके पास से क्या जाता है? पैसा जाता है. Recording of the two monetary transactions in the books of account. अपना video बंद करें. Recording of the two aspect of monetary transaction in the books of account in terms of debit and credit is called as double entry system. और इन दो एक्सपेक्ट को रिकॉर्ड करना डेबिट और क्रेडिट के फॉर्म में, इन दोनों एक्सपेक्ट को रिकॉर्ड करना डेबिट और क्रेडिट के फॉर्म में, उसे बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम. ठीक है बच्चों, ये हुआ आपका डबल एंट्री सिस्टम. अब मैं आपको मैं वापस रिपीट कर देता हूं नोट से. This system is based on the fact that there are two aspects of every business transaction. Every transaction involves two person or accounts or parties. हर business transaction में दो person, दो accounts या उससे ज्यादा होते हैं. One is the receiver of the benefit and another is the giver of the benefit. If something comes into the business, something goes out of the business. Recording of the two aspects of the monetary transaction in the books of account in the form of debit and credit is known as डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग. हर डेबिट का इक्वल एंड कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट होता है. दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम. देखिए डेबिट और क्रेडिट दो वर्ड है. डेबिट का मतलब बेनिफिट गिवन टू एन अकाउंट और क्रेडिट का मतलब बेनिफिट टेकन फ्रॉम एन अकाउंट. इसको अपन डिटेल में ज्यादा, क्या डबल एंट्री सिस्टम क्या है. रिकॉर्डिंग ऑफ द टू एक्सपेक्ट of monetary transaction in terms of debit and credit is called as double entry system of bookkeeping. Double entry system के principles क्या क्या हैं? Double entry system के principles क्या क्या हैं? ये बच्चों time पे आया करो. देखो आज बहुत important है. In every business transaction there must be minimum two effects. ये two effects क्या होते हैं? Debit और credit. Two accounts mean one is the receiver of the benefit and another is the giver of the benefit. If one account is debited, another account must be credited. Every debit have an equal and corresponding credit of the same amount. ठीक है, ये principles हैं. हर transaction के दो aspect होते हैं. One is the receiver, another is the giver. One account is debited, another account is credited. और इनका amount भी equal होता है. इनका amount भी equal होता है. क्लासिफिकेशन का मतलब मैंने आपको पिछले बार समझाया था कि सिमिलर टाइप्स ऑफ थिंग्स को एक ही जगह इकट्ठा करना. और अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन कैसे कैसे होता है. अकाउंट्स को दो पार्ट में बांटा जाता है बच्चों. अकाउंट का मतलब क्या होता है पहले तो अपन देखते हैं. अकाउंट का मतलब क्या होता है. देखिए जैसे ये नोटबुक है, जैसे ये नोटबुक है. क्या है नोटबुक है. डे वन पे एक तारीख को आप कुछ लिखेंगे, दो तारीख को कुछ लिखेंगे, तीन तारीख को कुछ लिखेंगे, चार तारीख को, ऐसे आप लिखते जाएंगे. लेकिन आपको अगर कुछ देखना होगा तो आपको पेजेस टर्न करने होंगे. अकाउंट आप जब बनाते हैं तो आपको पेजेस टर्न नहीं करना पड़ते हैं. जैसे आपने राम को पैसा दिया, आपने क्या दिया, राम को पैसा दिया. एक तारीख को दिया राम को पैसा, दो तारीख को दिया, तीन तारीख को दिया, चार तारीख को दिया, ऐसे 30 तारीख को आपने राम को पैसा दिया. तो आपको देखना है राम को कितना पैसा दिया. तो आपको 30 पेजेस को टर्न करना पड़ेगा. लेकिन अकाउंट में क्या होता है, आपको पेजेस को टर्न नहीं करना पड़ेगा. पूरे राम के 30 दिनों के इंफॉर्मेशन एक ही जगह पे, एक ही पेज पे मिलेगी. वो कैसे मिलेगी, वो अपन आने वाले दिनों में समझेंगे अकाउंट कैसे बनता है. अभी तो आप ये समझ लीजिए, अकाउंट इज अ समराइज रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू वन पर्सन, रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर असेट, पर्टिकुलर लाइबिलिटी, पर्टिकुलर हेड ऑफ एक्सपेंस एंड इनकम. इट इज अ समराइज रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू वन पर्टिकुलर पर्सन, असेट, लाइबिलिटी, हेड ऑफ एक्सपेंस और इनकम रिकॉर्डेड एट वन प्लेस. अकाउंट को दो पार्ट में बांटा जाता है. यह है एक पर्सनल अकाउंट और दूसरा है इम्पर्सनल अकाउंट. यह है पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल
अकाउंट, अकाउंट को दो पार्ट में बांटा जाता है, एक है पर्सनल और दूसरा है या आपकी बुक है, पर्सनल और इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का क्या मतलब होता है बच्चों? पर्सनल अकाउंट, अकाउंट रिप्रेजेंट अ पर्सन, ये पर्सनल अकाउंट क्या करते हैं, ये पर देखो बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, ध्यान से सुनना। तीन पार्ट में बांटा जाता है, कितने पार्ट में बांटा जाता है? अकाउंट क्या होता है? इट इज अ समराइज रिकॉर्ड ऑफ, इट इज अ समराइज रिकॉर्ड ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू वन पर्सन असेट लाइबिलिटी एक्सपेंस हेड ऑफ इनकम। इट इज अ समराइज रिकॉर्ड ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू वन पर्सन, अभी आप वन पर्सन। तो पर्सनल अकाउंट क्या होता है? अकाउंट को तीन पार्ट में बांटा जाता है, सॉरी अकाउंट को दो पार्ट में बांटा जाता है, पर्सनल और इम्पर्सनल। अब पर्सनल अकाउंट समझते हैं, पर्सनल अकाउंट क्या होता है। पर्सनल अकाउंट को बच्चों वापस तीन पार्ट में बांटा जाता है, पहले तो आप अकाउंट को दो पार्ट में बांटते हैं, पर्सनल और इम्पर्सनल, फिर पर्सनल अकाउंट को तीन पार्ट में बांटते हैं। ये तीन पार्ट क्या है? नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है, पर्सनल अकाउंट को तीन पार्ट में बांटते हैं, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब अपन देखते हैं ये क्या मतलब है, पर्सनल अकाउंट का क्या मतलब। ये अकाउंट किसको रिप्रेजेंट करते हैं? दे रिप्रेजेंट अ पर्सन एंड अ ग्रुप ऑफ पर्सन विथ हुम द बिजनेस डील इन। पर्सनल अकाउंट उन पर्सन को या ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं जिनसे बिजनेस डील करता है। जैसे मेरा बिजनेस बजाज कंपनी से डील करता है तो बजाज कंपनी क्या हुई? पर्सनल अकाउंट। मेरा बिजनेस जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज से डील करता है तो रिलायंस इंडस्ट्रीज क्या हुई? पर्सनल अकाउंट। ठीक है, दिस अकाउंट रिप्रेजेंट अ पर्सन एंड ग्रुप ऑफ पर्सन विथ हुम द बिजनेस डील्स इन। दीज अकाउंट आर क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज। अब इनको अपन कितने, पर्सनल अकाउंट को कितने पार्ट में बांटते हैं? तीन पार्ट में। बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन टुडे, अकाउंट के दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से दो पार्ट होते हैं? पर्सनल और इम्पर्सनल। फिर पर्सनल अकाउंट के तीन पार्ट होते हैं, तीन पार्ट क्या क्या है? नेचुरल पर्सन, नेचुरल पर्सन क्या होता है बच्चों? दे आर द क्रिएशन ऑफ गॉड, नेचुरल पर्सन आर द क्रिएशन ऑफ गॉड, नेचुरल पर्सन आर द क्रिएशन ऑफ गॉड। जैसे राम, श्याम, हरि, आशा, गीता, सीता, ये क्या है? नेचुरल पर्सन है। क्या है? नेचुरल पर्सन, दे आर द क्रिएशन ऑफ गॉड, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। दे रिप्रेजेंट पर्सन हु आर क्रिएशन ऑफ गॉड। उसके बाद आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट क्या है? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट क्या होता है बच्चों? इट इज क्रिएटेड बाय लॉ, इट इज क्रिएटेड बाय लॉ। अब क्रिएटेड बाय लॉ क्या होता है? जैसे आपका कॉलेज का नाम है सेंट पीटर्स, सेंट पीटर लॉ के अंडर में रजिस्टर्ड है। क्या है? लॉ के अंडर में रजिस्टर्ड है। कोई भी दुकान जैसे डीमार्ट है, ये लॉ के अंदर में रजिस्टर्ड है, तो इट इज क्रिएटेड बाय लॉ। रिलायंस इंडस्ट्री है, बजाज इंडस्ट्री है, ये सारी कंपनी क्या है? लॉ में रजिस्टर्ड, दे आर क्रिएशन ऑफ लॉ, दे आर क्रिएटेड बाय लॉ। तो जो बी पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ होता है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन क्रिएटेड बाय लॉ होता है, जैसे गुजराती समाज का हॉस्पिटल है या एसोसिएशन है ना, क्रिएटेड बाय लॉ, तो जो भी लॉ से क्रिएटेड होता है उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। नेचुरल क्या होता है? दे आर क्रिएशन ऑफ गॉड, जैसे राम, हरि, सीता। उसके बाद है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। क्या है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। दीज अकाउंट रिप्रेजेंट अ सर्टेन ग्रुप ऑफ पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन इन बिजनेस डीलिंग। जैसे ये क्या है? ये उन पर्सन को रिप्रेजेंट, ये नेचुरल पर्सन क्या होता है बच्चों? क्रिएशन ऑफ गॉड। आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है? क्रिएटेड बाय लॉ। और रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है? ये किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, उसको क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, जैसे आपके, आपको लैंडलॉर्ड को रेंट देना है, क्या देना है? मकान मालिक को रेंट देना है, तो आप मकान मालिक की जगह रेंट देना बाकी है, मकान मालिक को रेंट देना बाकी है, तो मकान मालिक के नाम की जगह आप एक अकाउंट खोलते हैं
जिसका नाम होता है आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। क्या होता है आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट? आउटस्टैंडिंग रेंट मतलब देना बाकी है। तो ये आउटस्टैंडिंग रेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? ये मकान मालिक को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं वापस से पूरी चीजें एक बार बताता हूँ, देखो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं 5 बार रिपीट कर चुका हूँ, मैं वापस रिपीट करता हूँ। बच्चों अकाउंट का मतलब क्या होता है? इट इज अ समराइज रिकॉर्ड, इट इज अ समराइज रिकॉर्ड। जो भी आपने डिटेल करी है ना उसको आप समरी में बना देते हैं। इट इज अ समराइज रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन, इट इज अ समराइज रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू पर्टिकुलर पर्सन। अब असेट लाइबिलिटी और ये हेड ऑफ एक्सपेंस और इनकम तो आप जोड़ ही ले लेंगे। इट इज अ समराइज रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू पर्टिकुलर पर्सन। अकाउंट को 2 पार्ट में बांटा जाता है, पर्सनल और इम्पर्सनल। पर्सनल अकाउंट को 3 पार्ट में फर्दर डिवाइड करते हैं। पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या होता है? ये उन पर्सन्स को या ग्रुप ऑफ पर्सन्स को रिप्रेजेंट करता है जो बिजनेस से डील करते हैं। दीज अकाउंट रिप्रेजेंट अ पर्सन एंड ग्रुप ऑफ पर्सन विद हुम द बिजनेस डील्स इन। दीज अकाउंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। नेचुरल पर्सनल अकाउंट, दे आर द क्रिएशन ऑफ गॉड। नेचुरल पर्सन अकाउंट, दे आर क्रिएशन ऑफ गॉड। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, दे आर क्रिएटेड बाय लॉ। एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, दे रिप्रेजेंट अ पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन इन बिजनेस डीलिंग। जैसे एक आपने किराया देना बाकी है, आपने अकाउंट खोला आउटस्टैंडिंग रेंट, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मकान मालिक को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अपन ने बच्चों पर्सनल अकाउंट समझा है। पर्सनल अकाउंट दे रिप्रेजेंट अ पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन हु डील्स विद बिजनेस। इसको 3 पार्ट में बांटा जाता है, नेचुरल पर्सन क्रिएशन ऑफ गॉड जैसे राम हरि सीता, आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ जैसे डीमार्ट बिग बाजार, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट दे रिप्रेजेंट द पर्सन और एसोसिएशन हु डील्स विद बिजनेस। ठीक है, किराया देना बाकी है और बाकी चीजें अपन आगे समझेंगे। आउटस्टैंडिंग रेंट, प्रीपेड एक्सपेंसेस, जैसे आपने कॉलेज को एडवांस में पैसे दे दिए तो आप क्या, जैसे एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, आप क्या लिखोगे? आपने 12वीं का फीस भी भर दिया तो आपके लिए क्या हो गई? प्रीपेड फीस। अब ये प्रीपेड फीस किसको रिप्रेजेंट करती है? सेंट पीटर कॉलेज को रिप्रेजेंट करती है। तो ऐसा अकाउंट जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है उसे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। जैसे कॉलेज क्या करेगा, आपने फीस एडवांस में दी तो कॉलेज क्या रिकॉर्ड करेगा? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ये इनकम रिसीव्ड इन एडवांस किसको रिप्रेजेंट करेगी? ये उस स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करेगी, उन स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करेगी जिन्होंने एडवांस में फीस जमा करा दी है। अक्रूड इनकम और आउटस्टैंडिंग इनकम। अक्रूड इनकम क्या होती है, इसका मतलब समझा देता हूं। इनकम अर्न कर ली है लेकिन आपको कैश नहीं मिला है। अक्रूड कंसेप्ट समझाया था ना बच्चों मैंने? अब देखो जो आपने पहले चैप्टर में टर्म्स पढ़े वो मैं वापस हर जगह रिपीट करने वाला नहीं हूं। अक्रूड इनकम, इनकम अर्न बट ये कौन नॉनसेंस है? अक्रूड इनकम का मतलब इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड। ठीक है, अक्रूड इनकम का मतलब इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड। तो ये जो इनकम अर्न कर ली है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? उस पर्सन को जिससे कि आपको इनकम मिलनी है। आउटस्टैंडिंग इनकम का भी वही मतलब होता है, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव। ठीक है बच्चों, तो अपन ने पढ़ा पर्सनल अकाउंट 3 तरीके के होते हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल क्रिएशन ऑफ गॉड, आर्टिफिशियल क्रिएशन ऑफ लॉ, एंड रिप्रेजेंटेटिव इट रिप्रेजेंट द पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन विद हुम द बिजनेस डील्स। ठीक है, अब अपन अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं, दूसरे टाइप का अकाउंट देखते हैं। दूसरे टाइप का अकाउंट क्या है? इम्पर्सनल अकाउंट। दूसरे टाइप का अकाउंट क्या है? इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट को 3 टाइप में बांटा था, इम्पर्सनल अकाउंट को 2 टाइप में बांटते हैं। 2 टाइप क्या है? रियल और नॉमिनल। क्या है? रियल और नॉमिनल। इम्पर्सनल अकाउंट को 2 टाइप में बांटते हैं, रियल और नॉमिनल। रियल अकाउंट क्या होता है बच्चों? रियल अकाउंट रिप्रेजेंट करता है असेट्स को। किसको रिप्रेजेंट करता है? असेट्स को। आप बच्चों असेट्स का मतलब मैंने आपको पहले चैप्टर में समझाया था, असेट क्या होता है एक बार वापस बता देता हूं। द प्रॉपर्टी
ऑफ एनी काइंड ओन बाय द बिजनेस. तो रियल अकाउंट असेट को रिप्रेजेंट करता है एक्सक्लूडिंग डेटर्स. डेटर्स का मतलब क्या होता है, ये भी आपको पहले चैप्टर में समझाया गया है. पर्सन उसने व्यापार से बिजनेस से उधार में माल लिया था, अब उसको पैसा देना है. अच्छा, आप हम बात कर रहे थे रियल अकाउंट की. तो रियल अकाउंट क्या होता है बच्चे, रियल अकाउंट जो असेट्स को रिप्रेजेंट करता है. अरे जिससे पैसा लेना है डेटर, वो भी तो आपका असेट है ना, प्रॉपर्टी है ना, पैसा लेना है, लेकिन उसको एक्सक्लूड कर दिया गया है. ब्रैकेट में क्या लिखा है, एक्सक्लूडिंग डेटर्स. इट रिप्रेजेंट असेट एक्सक्लूडिंग डेटर्स. इट रिप्रेजेंट असेट एक्सक्लूडिंग डेटर्स. तो डेटर्स को इसमें से हटा दिया गया है. रियल अकाउंट रिप्रेजेंट करता है असेट्स को. The following are the types of real account. Real account दो तरीके के होते हैं. क्या है, tangible और intangible. Tangible का मतलब क्या होता है बच्चों, जिसे आप देख सकते हो. Intangible का मतलब जिसे आप देख नहीं सकते. तो बच्चों asset आपके दो तरह के यहाँ पे. आपका real account को आप दो part में बांट सकते हो. ये केवल समझाने के लिए, main तो आपको real account से concern है. रियल अकाउंट को दो पार्ट में बांट सकते हो, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल. टेंजिबल को आप देख सकते हो, इंटेंजिबल को आप देख नहीं सकते. अब अपन एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं. टेंजिबल का मतलब, टेंजिबल का मतलब जैसे मारुति कार है, बिल्डिंग है, इसे आप देख सकते हो ना. तो ये आप, हाँ वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, फिजिकल थिंग. तो ये क्या हो गया आपका टेंजिबल एसेट. इंटेंजिबल एसेट क्या होता है बच्चे, जिसे आप देख नहीं सकते. विच कैन नॉट बी टच्ड or felt but can be measured in terms of money which cannot be touched. जिसे आप देख नहीं सकते, जिसे आप टच नहीं कर सकते, लेकिन पैसे में, लेकिन पैसे में आप मेजर कर सकते हो. जैसे गुडविल. गुडविल का मतलब क्या होता है बेटा, रेपुटेशन. गुडविल का मतलब भी अपन ने डिस्कस करा था. गुडविल का मतलब क्या होता है, रेपुटेशन. तो बिजनेस की रेपुटेशन को आप मेजर कर सकते हो क्या. कोई आपको स्कूल बहुत अच्छा पढ़ाता है, जैसे आपका सेंट पीटर स्कूल कॉलेज बहुत अच्छा पढ़ाता है, तो कॉलेज की रेपुटेशन है ना. लेकिन इस रेपुटेशन को आप क्या पैसे में मेजर कर सकते हो, लेकिन देख नहीं सकते कि भाई इसके गुडविल 1 करोड़ रुपया है, 10 करोड़ रुपया है, लेकिन आप इसे देख नहीं सकते. आप इसे देख नहीं सकते, ठीक है. ठीक है, गुड. तो अपन बात कर रहे थे गुडविल, इसे आप देख नहीं सकते, इसे आप मेजर कर सकते हो. इट इज द रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस. पेटेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, अभी देखो, अभी करंट एग्जांपल लेता हूं मैं. कोरोना वायरस के, इसकी मेडिसिन की, इसके वैक्सीन की रिसर्च चल रही है ना. तो जिसका ये कोई नया इन्वेंशन होगा, जब इसकी वैक्सीन आएगी तो ये नया इन्वेंशन होगा, तो आप इसको रजिस्टर कराओगे. कोई न्यू इन्वेंशन है, कोई न्यू डिजाइन है, तो इसको आप इन्वेंट, कोई नया फॉर्मूला है. जैसे वैक्सीन बनेगी तो फॉर्मूले से बनेगी ना. तो कोई नया इन्वेंशन जिसे आप रजिस्टर कराओगे, वो पेटेंट होता है. वो क्या होता है, पेटेंट होता है. आप इसे भी देख नहीं सकते. ट्रेडमार्क क्या होता है, द ट्रेड नेम अंडर विच द कंपनी ट्रेड्स इन. जैसे आपको मोंजिनीस, आपका क्या है, वो आपको केक देता है, क्वालिटी आइसक्रीम देता है, तो ये ट्रेडमार्क हो गया. द ट्रेड नेम क्या हो गया, ट्रेड नेम. इसके द ट्रेड नेम बाय विच द कंपनी ट्रेड्स इन, उसे बोलते हैं ट्रेडमार्क. तो ट्रेडमार्क क्या है, आप इसे भी देख नहीं सकते हो. कॉपीराइट क्या होता है, द राइट टू प्रोड्यूस. जैसे मैंने बुक लिखी और किसी को, किसी पब्लिशर को बेच दिया कि आप इस बुक को पब्लिश कर लेना, आप इस बुक को क्या करना, पब्लिश कर लेना, तो उसके पास है राइट टू प्रोड्यूस. उसको मेरी बुक प्रोड्यूस करने का राइट है, तो वो कॉपीराइट होता है. वो तो ये सब चीजें क्या है, इन्हें आप देख नहीं सकते. ये सब असेट वो है जिसे आप देख नहीं सकते,
तो ऐसे एसेट्स को बोला जाता है इनटेंजिबल। और बच्चों इनपर्सनल अकाउंट दो तरह का होता है, रियल और नॉमिनल। ये अपन नॉमिनल आगे पढ़ेंगे। रियल अकाउंट क्या होता है, दे रिप्रेजेंट असेट एक्सक्लूडिंग डेटर्स, ठीक है। ये दो तरह के होते हैं, ये जस्ट एक एक्स्ट्रा नॉलेज है। आपको मेन कंसर्न है इंपर्सनल अकाउंट दो तरह का होता है, रियल और नॉमिनल। रियल क्या है, असेट, केवल रियल क्या है, दे रिप्रेजेंट असेट्स। अब भले से वो टेंजिबल हो सकता है या इनटेंजिबल हो सकता है। उसके आगे चलते हैं बच्चों, दूसरे तरह का अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट। क्या होता है बच्चों, सॉरी, जो इंपर्सनल अकाउंट दूसरे तरह का होता है वो क्या है, नॉमिनल। नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट क्या करता है बच्चे, इट रिलेट्स टू एक्सपेंसेस और इनकम। एक्सपेंसेस और इनकम, अब एक्सपेंसेस का मतलब खर्चा ही नहीं है, लॉस भी है। क्या है, लॉस भी है। दिस अकाउंट रिलेट टू एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन्स, रेवेन्यू, दे आर टर्म्ड एज नॉमिनल अकाउंट। जैसे खर्चा क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, सैलरी, परचेजेस, इंटरेस्ट पेड, और इनकम क्या है, सेल्स, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये सब क्या है, डिस्काउंट रिसीव्ड, ये सब क्या है, इनकम है। तो इनकम और एक्सपेंसेस के जो अकाउंट होते हैं ना बच्चों, उसे क्या बोलते हैं, नॉमिनल अकाउंट। मेरे प्यारे बच्चों, आपने पढ़ा है आज, देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपने क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन मतलब बांटना, छांटना, सिमिलर चीजों को एक जगह इकट्ठा करना। तो क्लासिफिकेशन में आपने पढ़ा दो तरह के होते हैं, पर्सनल और इम्पर्सनल। पर्सनल, दे रिप्रेजेंट पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन विद हू डील्स विद द बिजनेस और विद हुम द बिजनेस डील्स। क्या है, अपन सरल भाषा में बोलते हैं, पर्सनल अकाउंट रिप्रेजेंट द पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन विद हुम द बिजनेस डील्स, ठीक है। पर्सनल अकाउंट तीन तरह के होते हैं, नेचुरल, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल क्या होता है, दे आर द क्रिएशन ऑफ गॉड, जैसे राम, हरि, सीता। आर्टिफिशियल क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन, ये दे आर क्रिएट लॉ, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, दे आर क्रिएटेड बाय लॉ। और रिप्रेजेंटेटिव क्या है, दे रिप्रेजेंट द पर्सन और ग्रुप एसोसिएशन विद हुम द बिजनेस, रिप्रेजेंट द पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन। हां, बंद करो माइक, बंद करो, चलो ठीक है। इनपर्सनल अकाउंट दो तरह के होते हैं, रियल और नॉमिनल। रियल अकाउंट क्या है, दे रिप्रेजेंट असेट, दे रिप्रेजेंट असेट। और वो असेट दो तरह के होते हैं, उसमें मत जाओ अभी, दे रिप्रेजेंट असेट। अपन को केवल रियल अकाउंट से मतलब है, अपन को असेट कितने टाइप के उससे मतलब नहीं है। इनपर्सनल अकाउंट दो तरह का होता है, रियल, रियल रिप्रेजेंट असेट, और नॉमिनल रिप्रेजेंट इनकम और एक्सपेंसेस, ठीक है बच्चों। इनकम, एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन्स, ये नॉमिनल अकाउंट हो गया मेरे प्यारे बच्चों। तो ये अपन ने क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स पढ़ लिया विद एग्जाम्पल, विद एग्जाम्पल, ठीक है बच्चों। अभी अब आपके बच्चे हैं 5 मिनट, या अभी टाइम है 5 मिनट और पढ़ा देता हूँ आपको। अच्छा, अब बच्चों क्या है, आप मुझे सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैं बात डिस्कस कर रहा हूँ ना, मैं आज खत्म कर देता हूँ, ताकि आज ये वाली बात डिस्कस कर लेता हूँ, ताकि आपको मैं होमवर्क भी दे सकूं। ये होमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अपन ने क्या पढ़ा, अकाउंट बेसिकली देखो, उसने दो तरह के बताए, फिर दो तरह को आगे और दो में बांट दिया। तो बेसिकली क्या, अकाउंट्स कितने तरह के होते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल, कितने तरह के होते हैं। अरे पहले उसने दो बताए और फिर इस दो को दो और में बांट दिया, तो बेसिकली अकाउंट कितने हैं, तीन तरह के। क्या है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल, पर्सनल, रियल और नॉमिनल, पर्सनल, रियल और नहीं, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल, ठीक है बच्चों। अब पर्सनल अकाउंट क्या होता है, रिप्रेजेंट पर्सन। अच्छा, अब अपन क्या करते हैं, अकाउंट्स में क्या करते हैं, बुक कीपिंग में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। बुक कीपिंग में क्या करते हैं बच्चों, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड ऐसे ही नहीं करेंगे, कुछ रूल्स अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, कुछ रूल्स, कुछ नियम अप्लाई करेंगे और फिर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है बच्चों। अब क्या क्या रूल अप्लाई करते हैं, अब आप, मैंने शुरू में बताया था, क्या बताया था, शुरू में अपन ने पढ़ा था मेरे प्यारे बच्चों कि वन अकाउंट इज रिकॉर्डिंग द टू एस्पेक्ट ऑफ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन इन टर्म्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो अपन क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं इन टर्म्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अपन या तो वो दो अकाउंट होते हैं ना, उन दोनों अकाउंट में से एक को डेबिट करते हैं और एक को
क्रेडिट करते हैं, क्या करते हैं, एक को डेबिट करते हैं और एक को क्रेडिट करते हैं, तो अपन को रूल्स अप्लाई करने हैं। अच्छा, अब रूल्स है, देखो ये गोल्डन रूल्स है, ये रूल्स इतने इंपॉर्टेंट है बच्चों कि इनका नाम गोल्डन रूल रख दिया गया है। ये रूल्स इतने इंपॉर्टेंट है कि इनका नाम रख दिया गया है गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट फॉर डिफरेंट अकाउंट्स। मेरे प्यारे बच्चों, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अच्छा, पर्सनल अकाउंट पे क्या नियम लगाएंगे? पर्सनल अकाउंट पे क्या नियम लगाएंगे? अपन क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं इन टर्म्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, इन टर्म्स ऑफ डेबिट। अच्छा, डेबिट। अब पर्सनल अकाउंट, अरे पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, एक जना देता है और एक जना लेता है, वन इज द रिसीवर एंड अनदर इज द गिवर। तो आप क्या रिकॉर्ड करते हो, जो रिसीव कर रहा है ना बच्चों, जो आदमी रिसीव कर रहा है उसको क्या करते हो, डेबिट करते हो, उसको क्या करते हो, डेबिट करते हो। और जो ले रहा है ना बच्चों, जो ले रहा है, सॉरी, डेबिट द रिसीवर, जिस जो रिसीव कर रहा है, जो ले रहा है उसको आप डेबिट कर रहे हो, और जो दे रहा है ना बच्चों उसको आप क्या करते हो, क्रेडिट करते हो। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जिस इंसान को, जिस पर्सन को चीज मिल रही है उसको आप डेबिट करते हो, जिस पर्सन, जो पर्सन दे रहा है उसको क्या करते हो, क्रेडिट करते हो। तो पर्सनल अकाउंट का क्या नियम है बेटे मेरे बच्चों, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। पर्सनल अकाउंट का क्या नियम है मेरे प्यारे बच्चों, डेबिट। आपको नियम रखा गया है, जिसको जो गोल्डन रूल्स नहीं आते हैं उनको कुछ समझ में नहीं आता है, अगर जिसको जो गोल्डन रूल समझ में आते हैं उनको पूरी अकाउंट समझ में आती है। तो आज के लिए मैं आपको ये गोल्डन रूल समझाने के बाद होमवर्क दूंगा कि आप हर एक गोल्डन रूल को 20 बार लिखेंगे। कितनी बार लिखेंगे, 20 बार। पर्सनल अकाउंट को 20 बार लिखेंगे कि पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीव, 20 बार लिखेंगे। कितनी बार, 20 टाइम्स। इसको आप कितनी बार लिखेंगे, 20 टाइम। मैं सब बच्चों की कल नोटबुक यूं करके मेरे को दिखाओगे कि सर हमने ऐसे लिखी है, ऐसे मैं हर बच्चे का देखूंगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना? ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट का क्या रूल हुआ, डेबिट द रिसीवर, जो रिसीव कर रहा है उसको डेबिट करो और जो दे रहा है उसको क्रेडिट करो, ठीक है। अब रियल अकाउंट क्या होता है, ये असेट का होता है, ये रिप्रेजेंट करता है असेट को, सिंपल सी बात है, रियल मतलब असेट, रियल मतलब असेट। अच्छा, अब असेट पे क्या रूल लगाते हो मेरे प्यारे बच्चों, असेट पे आप ये रूल लगाते हो, अगर असेट आ रहा है, अगर असेट आ रहा है तो उसको डेबिट कर दो, और असेट जा रहा है तो उसको क्रेडिट कर दो, ठीक है। आप इसको अंग्रेजी में पढ़ लेते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अरे गाड़ी आई ना, तो गाड़ी को क्या करो, डेबिट कर लो, गाड़ी को डेबिट कर लो। अरे गाड़ी के बदले में क्या दिया, पैसा दिया ना, कैश, कैश को क्रेडिट कर लो, ठीक है। अच्छा, तो अपना रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम, इसको भी आप 20 बार लिखोगे, इसको भी आप 20 बार लिखोगे, ठीक है। अपने दो अकाउंट हो गए, पर्सनल और रियल। अब ये वाला है नॉमिनल, क्या है नॉमिनल, नॉमिनल किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों, एक्सपेंसेस और इनकम को, एक्सपेंसेस और इनकम को, एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड गेन्स, ठीक है। तो अच्छा, अब इसका रूल क्या होता है, खर्चा अगर होता है तो उसको डेबिट करो, खर्चा अगर होता है तो उसको डेबिट करो, इनकम अगर उठी है तो उसको क्रेडिट करो, खर्चा अगर होता है तो उससे क्या करो, डेबिट करो, इनकम अगर होती है तो उसको क्रेडिट करो। तो अपना रूल हो गया बच्चों, क्रेडिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और सॉरी, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। क्या रूल है अपना, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार वापस से अपन ये समझ लेते हैं, पर्सनल अकाउंट का मतलब रूल है ए, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल का अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, ठीक है। ये चार्ट भी बनाया मैंने, डेबिट द रिसीवर पर्सनल का, क्रेडिट द गिवर
debit what comes in, credit what goes out, debit all expenses and losses, credit all income and gain, ये मैंने आपको चार्ट के माध्यम से समझाया। तो बच्चों मैंने आपको आज क्या समझाया, आपको मैंने अकाउंट का क्लासिफिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है आज का डिस्कशन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन। पहले मैंने आपको अकाउंट का मतलब समझाया, अकाउंट का मतलब क्या होता है और फिर अकाउंट को कैसे क्लासिफाई करा जाता है। तो बच्चों ये आज का डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट था, इसके अपन ने एग्जाम्पल भी देखे मेरे प्यारे बच्चों। जैसे पर्सनल अकाउंट का नेचुरल पर्सन का क्या होता है, सुनीता अशोक, ये मैंने आपको दिया था। आर्टिफिशियल क्रिएटेड बाय लॉ, ये क्या पूना म्यूनिसिपल ये लॉ से क्रिएटेड है, ये कौन है जो अपना माइक अनम्यूट कर रहा, बच्चों ऐसा मत करो, देखो है ना। अच्छा, ये राधिका स्पोर्ट्स जो दुकान का नाम है, ये क्लब का नाम है तो क्रिएटेड बाय लॉ है, बैंक ऑफ इंडिया क्रिएटेड बाय लॉ है। अच्छा, ये मैंने चारों के चारों आपको समझाए थे। फिर रियल अकाउंट का मतलब असेट होता है, असेट में दो तरह के होते हैं, अपन एग्जांपल देख लेते हैं, कंप्यूटर, कैश, मशीनरी, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट। मैंने आपको गुडविल का मतलब भी समझाया, पेटेंट का मतलब भी समझाया, कॉपीराइट का मतलब भी समझाया और ट्रेडमार्क का मतलब भी समझाया। उसके बाद नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, ये एक्सपेंसेस और इनकम को रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सपेंसेस जैसे स्टेशनरी का खर्चा, परचेज का खर्चा, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा। इनकम क्या है, इंटरेस्ट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, सेल्स। ठीक है बच्चों, मैंने पूरी डिस्कशन को कम से कम चार से पांच बार रिपीट किया है मेरे बच्चों आज के लिए। अच्छा, फिर अपन ने डिस्कस करे थे रूल्स, गोल्डन रूल, इनका नाम क्या है, ये सब कितनी बार लिखना है, कोई बच्चा अनम्यूट करके बोलो कितनी बार लिखना है। चलो अब बंद करो, 20 times लिख रहे हैं, 20 times लिखना है। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का क्या रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। मेरे अब आपकी कोई डिफिकल्टी हो तो आप बोलिए, मैं अपनी डिस्कशन को मेरी तरफ से यहीं पे रोकता हूँ। अगर किसी को कोई डिफिकल्टी हो तो प्लीज आप लोग बात करिए, बोलिए बच्चों। Will you please explain the golden rule of nominal account, please? जो खर्चा होता है ना मेरे बेटा, खर्चा होता है ना, उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। क्या करते हैं, डेबिट। और जो इनकम होती है ना उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। कोई फायदा होता है, कोई इनकम होती है तो इनकम को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। और एक्सपेंसेस और लॉसेस को क्या करते हैं मेरे बेटा, डेबिट करते हैं। और बोलो बेटा, और कोई डाउट, still any doubt left, I am here to solve all your doubts. Sir, हाँ बोलो ना। Sir, real account को explain करो एक और बार। अरे real account मतलब asset, real account मतलब it represent asset. Asset क्या मतलब, अब बोलो आप, अब आप भागो मत, asset का मतलब बोलो पहले। नहीं पता सर asset का meaning। अरे बेटा आपको नहीं पता तो आप आगे कैसे बढ़ोगे, जब पहला चैप्टर चल रहा था तो मैंने आपको कितना समझाया था। अरे असेट का मतलब प्रॉपर्टी, असेट का मतलब, अगर आपको बेसिक 1 2 3 नहीं पता तो आप एडिशन करोगे क्या, आप सब्ट्रैक्शन करोगे क्या, मल्टीप्लिकेशन करो, संपत्ति, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड ओन्ड बाय द बिजनेस। अरे बेटा अगर आप ऐसे बातें करोगे, अभी ये नहीं पता, अरे जो पहला पढ़ाया गया है वो तो पढ़ो ना, अभी तो कोरोना है, कहीं बाहर भी आना जाना नहीं है। क्या करते हो बच्चों, ऐसा मत करो, बहुत अफर्ट जाता है पेरेंट्स का, टीचर्स का आपको पढ़ाने में। प्लीज पढ़ाई करिए ना बच्चे, और पूछिए ना बच्चों। सर ये गोल्डन रूल 20 टाइम नोटबुक में लिखना है ना? हाँ बेटा 20 बार, 20 टाइम, TWENTY, ठीक है ना, ये इतने इंपॉर्टेंट हैं। हर एक को ये मत बोल देना, हर एक को, पर्सनल को भी 20 बार, रियल को भी 20 बार, नॉमिनल को भी 20 बार, टोटल कितनी बार हो गए बच्चों, 50 times. Very good, very good, very good, बेटा, very good. और बोलो, और बोलो, और कोई डिफिकल्टी हो तो, हाँ बोलो। आज जो भी सिखाया मतलब वो सब लिखना है कि सिर्फ यही गोल्डन रूल्स?
अरे बेटा जो सिखाया है वो तो लिखना ही है, लेकिन स्पेशली ये 20 टाइम्स गोल्डन रूल लिखना है, जो सिखाया है वो सब तो है ही है, वो बाकी चीजें आप एक दिन बाद भी लिख सकते हो, लेकिन ये 20 टाइम्स तो आज के आज ही लिखना है और 5 बजे के पहले लिखना है और याद होने चाहिए, ठीक है। मैं कल किसी का भी नाम लेके पूछूंगा। मैं अरे बेटा सबमिट कहाँ करोगे, सबमिट आपको मैं ऑनलाइन करवाऊंगा ना, पूछूंगा ना आपका नाम लेके, आपका नाम क्या है? तन्मय सर। तन्मय, मैं आपसे पूछूंगा बेटा कल। और बोलो, और कोई बच्चा सर? हाँ बोलो बच्चे। थैंक यू। हाँ, जो जिन जिनको समझ में आ गया है, जिनको कोई समस्या नहीं है वो जा सकते हैं, जिनको प्रॉब्लम है मैं आपकी प्रॉब्लम के लिए बैठा हूँ। आउटस्टैंडिंग रेंट क्या होता है? आउटस्टैंडिंग का मतलब देना बाकी है, मतलब रेंट देना बाकी है। आउटस्टैंडिंग मतलब देना बाकी है, या आउटस्टैंडिंग रेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अरे लैंडलॉर्ड को देना बाकी है ना बेटा, ठीक है। और बोलिए सर, नोटबुक बनाना कंपलसरी है? अरे बेटा अगर आप नोटबुक नहीं बनाओगे तो मैं आपके क्या करूँगा? अरे कंपलसरी तो है ही ना, अगर पढ़ना कंपलसरी है तो नोटबुक भी कंपलसरी है। और बोलो बच्चे, लीव कर सकते हैं? हाँ, वन बाय वन। हाँ बोलो सर, मुझे डाउट नहीं है, बट मुझे ये पूछना था कि जो फर्स्ट चैप्टर का एक्सरसाइजेस है वो हमें खुद सॉल्व करना है या पीडीएफ फॉर्म में आप भेजोगे? बेटा वो बेटा मैंने आपको फर्स्ट आप खुद ट्राई करिए, उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैंने आपको सब चीजें समझा दिया ना, अब वो एक्सरसाइज आप अपने आप कोशिश करिए, उसमें से जो पाया गया वो कोशिश करिए, ठीक है ना, वो कोशिश करिए, फिर मैं बाद में डिस्कस करूंगा, ठीक है। अब आप बड़ी क्लासों में आ गए हो, बड़ी क्लासों में मैं आपको स्पून फीडिंग नहीं करूंगा, आप अपने आप कोशिश करिए बच्चे। हाँ और बोलिए सर, जो फर्स्ट लेसन में सिखाया वो भी आप चेक करोगे? नहीं अभी, अरे बेटा कल मैं गोल्डन रूल चेक करने वाला हूँ केवल, ठीक है सर। लेक्चर का वीडियो क्यों नहीं भेजा जा रहा है? लेक्चर का वीडियो क्यों नहीं भेजा जा रहा है, ये आप अपने क्लास टीचर को ग्रुप में डालिए कि मैडम, क्लास टीचर को पर्सनली भेजिए कि मैडम हमको वीडियो क्यों नहीं डाला जा रहा है, मैं भी आपकी बात को आगे पहुंचाता हूँ, ठीक है। आपको राइट दिया है कि आप इसे छाप सकते हो, आप इसकी एक्स्ट्रा कॉपीज बना सकते हो, तो आपके पास क्या है? कॉपी राइट है। क्या है? कॉपी राइट है। और बोलो बेटा। यस, एनी अदर प्रॉब्लम सर? सर नॉमिनल अकाउंट का आप डेफिनेशन एक बार समझा सकते हो? बेटा खर्चा या इनकम, खर्चा या इनकम, एक्सपेंसेस या इनकम, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। और बोलो। और सर रियल अकाउंट का वो टेंजिबल रियल अकाउंट और इनटेंजिबल रियल अकाउंट? अभी आप उसमें मत जाओ बस, टेंजिबल मतलब देख सकते हो, इनटेंजिबल मतलब देख नहीं सकते। ओके सर, थैंक यू। ओके, एनी अदर स्टूडेंट, एनी अदर डाउट? अदरवाइज यू मे लीव। अभी भी 50 बच्चे हैं। वेलकम वेलकम बेटा। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। आर यू एंजॉयिंग द लेक्चर? लेक्चर अच्छा लग रहा है? यस सर, यस सर। वेलकम बच्चे, वेलकम। ठीक है सब बच्चे लीव करो, नहीं तो अभी शरीर में बंद कर देगी। बाय सर। बाय बाय। कैन आई एंड द सेशन मैम? सर यस। हाँ बोलो 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 बच्चे, 1 मिनट मैम। हाँ बोलो sir, हाँ बोलो sir? हाँ क्या बोलो ना sir, हेलो। हाँ बोलो ना बच्चे। मम्मी हेलो। ओके सो नो डाउट्स, शैल वी एंड? मिस एंड करें? यस सर। ओके एंड कर दीजिए।